हेलो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने इससे पहले के वीडियो में पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ स्लोप और टाइप्स ऑफ स्लोप पढ़ समझने से पहले हमें समझना होगा टाइप ऑफ डेप्थ, जिसमें मैंने बताया था वाई सी क्रिटिकल डेप्थ, वाई एन नॉर्मल डेप्थ, वाई वेरिंग डेप्थ। वाई सी कब होगा? जब स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी यानी ई सी के इक्वल होगी। वाई एन कब होगा? जब यूनिफॉर्म फ्लो होगा, स्टडी फ्लो होगा। वाई एन वाई सी से ज़्यादा भी हो सकता है, वाई एन वाई सी से कम हो सकता है। ये मैंने स्पेसिफिक एनर्जी कर्व बनाकर समझाया था कि वाई सी कब इफेक्टिव होगा और ई सी जब स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी तब वहाँ पे वाई सी कैलकुलेट होता है। सपोज़ करिए, अब हमें किसी चैनल में वाई सी आइडेंटिफाई करना है, वाई सी कब होगा। इसके लिए फॉर एग्जांपल अगर रेक्टेंगुलर चैनल है तो इसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन जी टू द पावर 1/3। आप स्मॉल क्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन जी टू द पावर 1/3। यहाँ से आपको उसका वाई सी मिल जाएगा। वाई एन कब मिलेगा? जब फ्लो, मैंने पहले बताया, यूनिफॉर्म और स्टडी होगा। अब वो स्टडी यूनिफॉर्म किसी भी डेप्थ पे हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि डेप्थ बहुत ज़्यादा हो या डेप्थ बहुत कम हो, ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है स्लोप पे। वाई एन डिपेंड करेगा स्लोप पे। अब बात आ गई स्लोप की, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्लोप कितने टाइप के होंगे और वो किस किस कंडीशन में होंगे। तो अब स्टार्ट करेंगे हम टाइप्स ऑफ स्लोप। टाइप्स ऑफ स्लोप में